हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट। ये बहुत ही न्यूट्रिटिव है और झटपट बन जाता है। वैसे तो स्पेनिश ऑमलेट में सिर्फ आलू और प्याज ही डाला जाता है, मैं वेरिएशन के लिए थोड़ी सब्जियाँ भी डाल रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे, आलू एक बड़े साइज का, इसे मैंने क्यूब्स में बिल्कुल बारीक काट लिया है क्योंकि इसे हमें गोल्डन क्रिस्प करना है। प्याज एक मीडियम साइज का, इसे मैंने पतले और लंबे में काटा है। ये एक एक करके सारी सब्जियों को इसमें डालेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे। टमाटर डालेंगे, चलाएंगे। फ्लेम हमें अभी हाई पे ही रखना है। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, आधा मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इससे ज्यादा भुने से नहीं पकाना है, गैस ऑफ कर देंगे। याद रखिए इसे हाई फ्लेम में पकाना है। गैस ऑफ कर दिया, अंडे वाले बोल में हमें मिक्स करना है। नमक, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च है ये डाल दें। कटी हुई लाल और हरी मिर्च है ये भी डाल दें। आप चीज भी डालना है, अगर चीज आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको। सबको मिला दें, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, बस जस्ट मिक्स कर देना है। ये मिक्स हो चुका है। अब इसे 5 मिनट तक ढक्कन बंद करके रख देंगे जिससे कि अंडा थोड़ा कुक हो जाए। हो गया है, अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए अंडा थोड़ा सा सेट हो गया है, अब हम इसे पकाएंगे। जिस पैन में हमने वेजिटेबल फ्राई किया था हम उसी में पकाएंगे। पैन गर्म हो गया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे और थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें छोड़ दीजिए। देखिए ये धीरे धीरे पक रहा है, अभी इसे पकाना है। लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। जब एक तरफ पक जाएगा तब हम इसे कटेंगे। साइड से पक रहा है, इसे अभी आधा मिनट और पकाएंगे बस। ये देखिए कलर आ रहा है साइड से, इधर से ये देखिए कलर आ रहा है। थोड़ा सा और पकाएंगे, आधा मिनट और पकाएंगे, फिर इसे हम फ्लिप करेंगे। ये गोल्डन कलर का हो गया है, बस यही स्टेज है। इसी स्टेज में हम इसे पलटेंगे धीरे धीरे, साइड से उठा के फिर हम इसे पलटेंगे। ये देखिए यूं उठ रहा है। अगर आपको ऐसे उठाने में दिक्कत होती है तो एक प्लेट को इसके ऊपर रखिए, आप यूं रखिए और यूं फ्लिप कर दीजिए।
प्लेट में आ जाएगा, फिर से इसे आप पैन में रख लेंगे। लेकिन मुझे प्रैक्टिस है, मैं ऐसे ही पलट रही हूँ, अंदर घुसा के फिर हम इसे पलटेंगे। देखिए इसे मैंने पलट दिया है, अब दूसरी तरफ से वही इसे पकाएंगे। दो कलछी से पलटिएगा, आराम से पलटा देंगे। और अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने बताया, इस प्लेट की सहायता से पलट सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है हमें। ये देखिए ये दूसरी तरफ से भी पक रहा है, फ्लेम मैंने लो रखा है। इसे अभी एक मिनट तक पकाएंगे लो में। साइड से देखिए बबल सा आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जब पक जाएगा तब हम फ्लेम बंद करेंगे। इसे पक चुका है, अंदर का कलर देखिए गोल्डन क्रिस्पी हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए इसे मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है, कितना अच्छा कलर आया है, कहीं से भी ये टूटा नहीं है। काफी थिक है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।